आज हम लोग रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का फोर्थ लेक्चर अटेंड करेंगे। जो पहला तीन लेक्चर आपने अटेंड किया है उसमें पर्टिकुलरली जो थर्ड लेक्चर था वह था रिगार्डिंग फोर वेक्टर्स। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फोर वेक्टर की बात करेंगे जिसे कहा जाता है करंट फोर वेक्टर। करंट फोर वेक्टर जिसमें एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज डेंसिटी और करंट डेंसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को। तो हम लोग एलिमेंट्री इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ चार्ज के कंजर्वेशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए एक इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो वह जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है एक्चुअली उसी से स्टार्ट करते हुए हम लोग करंट फोर वेक्टर के आइडिया को डेवलप करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को, उसे हम लोग लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ जे प्लस डेल रो डेल टी इक्वल टू जीरो। ये हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। देखिए इस इक्वेशन में आप जानते हैं कि जो वेक्टर जे है, इनफैक्ट दिस इज कॉल्ड करंट डेंसिटी वेक्टर, करंट डेंसिटी वेक्टर, और रो इनफैक्ट दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये इक्वेशन करंट डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस दोनों को कनेक्ट करने वाला इक्वेशन है। लेकिन एक खास बात है, जब हम लोग नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात करते हैं तो उस स्थिति में जो हमारा कोई चार्ज है और इलेक्ट्रिक करंट है, दोनों इंटायरली डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट क्वांटिटीज ट्रीटेड होता है इन नॉन रिलेटिविस्टिक केस। लेकिन अगर आप बात करते हैं रिलेटिविस्टिक सिचुएशन का, तो रिलेटिविस्टिक सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि एक चार्ज या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि ये हमने एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर किया है जो डी भी वॉल्यूम में कंटेंट है, एलिमेंट्री वॉल्यूम ले लेते हैं, कोई बड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर आप इसको सपोज करते हैं कि वह एक स्टेशनरी इनर्शियल फ्रेम में रेस्ट में है, तो उस स्थिति में एस के रेस्पेक्ट में दूसरा फ्रेम जो एस डैश्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी से एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके रेस्पेक्ट में यह मोशन में होगा, इसका वेलोसिटी माइनस भी हो जाएगा। या आप जस्ट इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि अगर हम इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को एस डैश्ड फ्रेम में ही स्टेशनरी मान लें तो यह एस के रेस्पेक्ट में वी वेलोसिटी से मोशन में होगा। तो मतलब ये है कि एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो एक इनर्शियल फ्रेम एस में रेस्ट में है, वही दूसरे फ्रेम एस डैश्ड में मोशन में है। और आप जानते हैं कि मूविंग चार्ज जो का जो सिस्टम है दैट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए करंट डिस्ट्रीब्यूशन।
So, if this charge distribution is treated simply as charge distribution in frame S, then it will be treated as a current distribution in frame S dash 2. ऐसी स्थिति में तो हम करंट डेंसिटी भी डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए रिलेटिविटी में आप रो को जो हमारा चार्ज डेंसिटी है और करंट डेंसिटी वेक्टर जे को, इस दोनों को आप सेपरेट एंटिटी नहीं मान सकते हैं, नॉट सेपरेट entities in relativistic case. Relativistic case, इसमें आप दोनों को सेपरेट नहीं मान सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह अब एक करंट डिस्ट्रीब्यूशन का भी दूसरे फ्रेम में इक्विवेलेंट है। इसलिए इस सिचुएशन में हम लोग इस दोनों ही क्वांटिटी को, रो को और जे को, एक दूसरे के साथ ग्रुप करते हैं और उस ग्रुपिंग को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किस रूप में, रो एंड जे आर grouped together as, relativistic केस में रो और जे को हम ग्रुप कर सकते हैं किस रूप में, तो ये रिजल्ट हम अभी डायरेक्टली लिख रहे हैं लेकिन इसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। जे म्यू एच इक्वल टू जे वेक्टर जे एंड आई सी रो। देखिए अब ये जो हमारा रिजल्ट है ये हमने अभी डायरेक्ट लिखा है, एक्चुअली इस रिजल्ट में जो क्वांटिटीज है जे म्यू, हियर म्यू इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर, एक्चुअली आप इस जे म्यू को कहते हैं करंट फोर वेक्टर, दिस इज करंट फोर वेक्टर। आप किसी भी फोर वेक्टर को, जस्ट जो हम लोगों का तीसरा लेक्चर था इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें आपने पढ़ा था कि हम किसी फोर वेक्टर को जब एक्सप्रेस करते हैं तो इस उसको एक पैरेंथेसिस में लिखते हैं, जो वेक्टर रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है जे, एक्चुअली वह कार्टेशियन जो थ्री डायमेंशनल हमारा इक्विलिडियन स्पेस है उसमें इस वेक्टर का तीन कंपोनेंट, एंड ये फोर्थ कंपोनेंट है जब हम फोर डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं। आप इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि जे म्यू इज इक्वल टू जे वन जे टू जे थ्री, एंड जहां जे फोर है, एक्चुअली दिस जे फोर इज व्हाट, दिस इज आई सी रो, ए फोर्थ कंपोनेंट। ये तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अगर यह थ्री डी स्पेस का वेक्टर है तो उसका तीन कंपोनेंट एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन का है, लेकिन ये रिजल्ट तो आपने अभी डायरेक्ट लिख दिया ना। अब हम इस रिजल्ट का ही जस्टिफिकेशन करेंगे, जस्ट इसको सोचिए, जस्टिफाई करना है कि कैसे यह रिजल्ट हुआ। कहने का मतलब आपका ये है कि आप फोर्थ कंपोनेंट ऑफ दिस करंट फोर वेक्टर को जानना चाहते हैं कि यह क्या होगा, जो हमारा फोर्थ कंपोनेंट होगा इसका, उसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली देर विल बी सम मैथमेटिकल स्टेप जिसको हम ध्यान रखेंगे। देखिए इस रिजल्ट को जस्टिफाई करने के लिए
आप एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट मान लीजिए, हम एक छोटा सा, अब इस करंट फोर वेक्टर जो हम लोगों ने डिफाइन किया इसको जस्टिफाई करेंगे। इसको जस्टिफाई करने के लिए आप सपोज कर लीजिए कि हम एक एलिमेंट्री वॉल्यूम एलिमेंट लेते हैं डी वी, और सपोज करते हैं कि इस एलिमेंट्री वॉल्यूम में डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। देखिए, चूंकि ये छोटा सा इनफाइनाइट टाइमली स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है, इसीलिए इसके किसी पॉइंट पर भी अगर आप मान लेते हैं कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो इंटायर इस एलिमेंट्री वॉल्यूम के हर एक पॉइंट पर इतना ही होगा। यद्यपि अगर लार्जर वॉल्यूम लिया जाए तो रो मे बी नॉन यूनिफॉर्म, बट फॉर दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम रो विल बी यूनिफॉर्म। देखिए, रो का मीनिंग ही होता है दिस इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो व्हाट विल बी द चार्ज इन डी वी वॉल्यूम, सिंपली दैट विल बी रो इन टू डी वी, और आपने उसी को डी क्यू माना है। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस एलिमेंट्री वॉल्यूम, अगर हमने उसे डी क्यू माना, तो दैट डी क्यू विल बी इक्वल टू रो इन टू डी वी, आप इसे इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। अब देखिए, हमें एक रिजल्ट तक पहुंचना है, देयर विल बी सर्टेनली सम मैथमेटिकल स्टेप जिसे थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप एक सिंपल अलजेब्रा यूज कीजिए, इक्वेशन नंबर वन के दोनों तरफ हम एक फोर वेक्टर डी एक्स म्यू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इनफैक्ट एक्स म्यू आप जानते हैं कि रेडियस फोर वेक्टर होता है, उसी का एलिमेंट्री चेंज है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट फोर वेक्टर कह सकते हैं। इससे इक्वेशन नंबर वन के दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, डी क्यू इंटू डी एक्स म्यू इक्वल टू रो इंटू डी एक्स म्यू डी वी। एक और सिंपल अलजेब्रा यूज करते हैं, इक्वेशन का जो आर एच एस है इससे आप सिंपली डी टी से मल्टीप्लाई भी करिए और डी टी से डिवाइड भी कर दीजिए, डी टी एंड डी वी डी टी, ऊपर नीचे गुना भाग करने से रिजल्ट नहीं बदलता है। अब देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन आ गया, अब इस इक्वेशन पर हम लोग गौर करेंगे। आप ध्यान से देखिए, पहले एक बात, ये जो इस इक्वेशन का LHS है, इस LHS को अगर हम देखें ध्यान से, तो LHS में दो क्वांटिटीज है DQ, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर होता है, तो यह एक स्केलर है, स्केलर को आप इनवेरिएंट भी बोलते हैं। एंड जो दूसरा फैक्टर है डी एक्स म्यू, जिससे हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, जिसको हमने कहा कि दिस इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट फोर वेक्टर, तो ये डी एक्स म्यू एक्चुअली क्या है, एक फोर वेक्टर है, दिस इज ए फोर वेक्टर। देखिए, ये सिंपल बात है कि यदि आप किसी स्केलर को एक फोर वेक्टर से या वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वेक्टर होता है, तो स्केलर को अगर हम फोर वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट विल बी ए फोर वेक्टर। सो द LHS ऑफ इक्वेशन टू विल बी डेफिनेटली ए फोर वेक्टर। तो देयरफॉर LHS इस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, LHS इज ए फोर वेक्टर। अगर इक्वेशन का LHS फोर वेक्टर है तो यह इक्वालिटी बताता है कि इस इक्वेशन का जो यह RHS है दैट मस्ट बी ए फोर वेक्टर। अब इसको हम लोग देखते हैं, इस RHS का जो दूसरा फैक्टर है इस पर आप गौर करिए, डी वी इंटू डी टी। आपको जो
फर्स्ट ही लेक्चर रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का हम लोगों ने किया था, तो उसमें आपने देखा था कि इसको हम लोग एक्चुअली क्या लिखते हैं, डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड इंटू डी टी, जिसे अब जो नोटेशन यूज कर रहे हैं हम लोग उसमें अगर लिखा जाए तो दैट विल बी डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री डी टी। और आप इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आप फोर डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट, फोर डी वॉल्यूम एलिमेंट। और एक प्रॉब्लम ले करके हम लोगों ने इस बात को प्रूव किया था कि जो फोर डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट होता है दैट इज ए रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, या इसको कहते हैं दिस इज लॉरेंज इनवेरिएंट, लॉरेंज इन वेरिएंट, या इसी को आप लॉरेंज स्केलर कहिए, या एक स्केलर है। तो एक चीज आप देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर टू का यह जो सेकंड फैक्टर है डी वी इंटू डी टी, दैट डी वी इंटू डी टी इज ए लॉरेंज इनवेरिएंट। तो निश्चित रूप से इस इक्वेशन का जो दूसरा फैक्टर है रो इंटू डी एक्स न्यू बाय डी टी, उसे निश्चित रूप से एक फोर वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि एलएचएस अगर फोर वेक्टर है तो आरएचएस भी फोर वेक्टर होगा। तो आरएचएस को फोर फॉर आरएचएस टू बी ए फोर वेक्टर रो इंटू डी एक्स म्यू डी टी मस्ट बी ए फोर वेक्टर, इसे भी एक फोर वेक्टर होना चाहिए। हम लोग इस फोर वेक्टर को एक पर्टिकुलर सिंबल से जे म्यू से लिखते हैं। तो मान लीजिए आप लेट जे म्यू एज इक्वल टू रो डी एक्स म्यू डी टी, ये सपोज कर लेते, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। अब देखिए यहां जो एक फोर वेक्टर आपने माना जे म्यू, इनफैक्ट दिस जे म्यू इज नोन एज करेंट फोर वेक्टर, दिस इज करेंट फोर वेक्टर, करेंट डेंसिटी फोर वेक्टर नहीं बोला जाता है, करेंट फोर वेक्टर ही बोलते हैं हम लोग। आप जानते हैं इस इक्वेशन में कि ये जो सबस्क्रिप्ट हमने यूज किया है म्यू, इनफैक्ट दिस म्यू इज इक्वल टू वन टू थ्री एंड फोर, इसलिए इस जे म्यू का फोर कंपोनेंट्स होगा। आप म्यू का डिफरेंट वैल्यू पुट करके अब इस चारों कंपोनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, चारों कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे। देखिए म्यू का वैल्यू अगर वन रख दें तो आपको क्या मिलेगा, म्यू का वैल्यू वन रखेंगे जे वन इक्वल टू, जे वन इक्वल टू रो डी एक्स वन डी टी। देखिए डी एक्स वन डी टी ये एक्चुअली वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट जिसे वी वन लिखेंगे, तो दिस विल बी रो वी वन, डी एक्स वन डी टी को वी वन लिखा गया। फिर देखिए म्यू को यदि हम टू पुट कर दें तो जे टू विल बी इक्वल टू रो डी एक्स टू डी टी, एंड डी एक्स टू डी टी मतलब डी वाई डी टी, और वो दूसरा कंपोनेंट है वेलोसिटी का,
this will be rho v2 and mu अगर आप 3 रख देते हैं तो this will be j3 and this is rho dx3 dt and this is rho v3 v3 dx3 dt ये velocity का ये z component है and j4 mu का value of 4 रख रहे हैं तो this will be rho dx4 dt अब देखिए rho dx4 x4 को क्या लिखेंगे I c t आप जानते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट I c t एंड डी टी यहां आपका आई सी कॉन्स्टेंट है बाहर कर लीजिए आई सी बाहर आ गया रो पहले यहां है आई सी रो एंड डी टी विल बी वन एंड सो दिस विल बी आई सी रो देखिए तो हम लोगों ने करंट फोर वेक्टर का जो चार कंपोनेंट्स है उसको डिफाइन कर दिया है ये तीनों कंपोनेंट इनफैक्ट आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कहिए जो 3D स्पेस में कंपोनेंट्स है और ये उसका फोर्थ कंपोनेंट है एक्चुअली हम इसी को जानना चाहते थे कि ये फोर्थ कंपोनेंट क्या होगा अब आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसा आप फोर वेक्टर को लिखते कैसे हैं ये आपने सीखा है पहले तो सो करंट फोर वेक्टर इस करंट फोर वेक्टर को अब आप लिख सकते हैं कि जे म्यू एच इक्वल टू इसका चारों कंपोनेंट लिख देंगे जे वन जे टू जे थ्री जे फोर आप जानते हैं कि जे वन जे टू जे थ्री के जगह पर हम क्या लिखते हैं दिस इज वेक्टर जे एंड जो फोर्थ कंपोनेंट है करंट फोर वेक्टर का जिसे आपने यहां फाइंड आउट किया दिस इज आई सी रो अब इसको हम लिख देंगे आई सी रो आपने जो डायरेक्टली रिजल्ट लिखा था करंट फोर वेक्टर के लिए शुरुआत में देखिए कि वह रिजल्ट मालूम हो गया जस्टिफाई हो गया कि वी कैन एक्सप्रेस करंट फोर वेक्टर इन दिस फॉर्म इस रूप में हम इसको व्यक्त कर सकते हैं अब देखिए चूंकि करंट फोर वेक्टर जे म्यू कहिए एक फोर वेक्टर है इसीलिए ये लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो फोर वेक्टर के लिए होता है उसके अनुरूप इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा मतलब कि अगर आप फ्रेम एस में जैसे आप ऊपर के फिगर में देख रहे हैं कि फ्रेम एस में अगर आप जे म्यू का कंपोनेंट जानते हैं तो फ्रेम एस डैश्ड में उसका कंपोनेंट्स क्या होगा उसे हम लोग जान सकते हैं एस डैश्ड फ्रेम में उसके कंपोनेंट को जाना जा सकता है अब ये कंपोनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आप जानते हैं कि अगर मान ले दें लें कि जे प्राइम म्यू दीज आर components of current four vector in frame S prime and J new these are components of current four vectors इन फ्रेम एस देन आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ा है पिछले लेक्चर में जब हम लोग फोर वेक्टर का आइडिया पढ़ रहे थे कि देन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को लिखेंगे जे प्राइम म्यू इज इक्वल टू
अल्फा म्यू न्यू इनटू जे न्यू, दिस इज आवर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को आप देखिए, मान लीजिए हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर बी कह देते हैं। एक इम्पोर्टेंट इक्वेशन है, आप पढ़ चुके हैं कि यहाँ जो अल्फा म्यू न्यू है, दिस इज इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अल्फा म्यू न्यू ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो इनफैक्ट एक मैथमेटिकल ऑपरेटर के जैसा काम करता है। जब यह ऑपरेटेड होता है जे न्यू पर, तो हमें जे प्राइम म्यू मिलता है। यहाँ आप जानते हैं कि म्यू वन टू थ्री एंड फोर है, एंड लाइकली न्यू इज आल्सो वन टू थ्री फोर। अब इस आधार पर अगर हम लोग अब ट्रांसफॉर्मेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, तो नौ आप फोर वेक्टर के आइडिया में इस बात को हम लोग इन डिटेल पढ़े हुए हैं। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जे डैश म्यू का चारों जो कंपोनेंट है उसे कॉलम मैट्रिक्स के रूप में लिखेंगे। जे वन प्राइम, जे टू प्राइम, जे थ्री प्राइम एंड जे फोर प्राइम, दिस इक्वल टू हमारा ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है, ये आपने देखा था कि यह 4x4 मैट्रिक्स है, एंड ये ऑपरेटर ऑपरेटेड होगा जे न्यू पर। जे न्यू फिर एक कॉलम मैट्रिक्स लिखेंगे, इस जगह पर जे थ्री होगा। अब देखिए इस सारे कंपोनेंट, इस मैट्रिक्स का जो कंपोनेंट्स है ये हम लोग इनफैक्ट पढ़ चुके हैं, आप इसका वैल्यू पुट कर दे सकते हैं। अगर इसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करें तो ऐसी स्थिति में हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जे वन प्राइम, जे टू प्राइम, जे थ्री प्राइम, जे फोर प्राइम, दिस इक्वल टू। तो इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का वैल्यू पुट करेंगे जो आप पढ़ चुके हैं, दिस इज गामा जीरो जीरो आई बीटा गामा। फिर सेकेंड रो में होता है जीरो वन जीरो जीरो, थर्ड रो में जीरो जीरो वन जीरो, एंड फोर्थ रो में माइनस आई बीटा गामा जीरो जीरो गामा एंड जे वन जे टू जे थ्री जे फोर। अब इस रिजल्ट से आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पता कर सकते हैं, सारा जो चारों जो कंपोनेंट है हमारे करंट फोर वेक्टर का, हम उसे निकाल सकते हैं। तो नौ आप एक एक करके आप इसको फाइंड आउट करिए। देखिए जे वन प्राइम इसे आप फाइंड आउट करेंगे तो दिस विल बी गामा इनटू जे वन, गामा जे वन, गामा जे वन प्लस जीरो इंटू जे टू,
प्लस जीरो इंटू जेड, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, आप इससे इसको मल्टीप्लाई करिए, जीरो इंटू जे थ्री प्लस जीरो इंटू जे थ्री एंड आई बीटा गामा इंटू जे फोर। तो आई बीटा गामा इंटू जे फोर, देखिए तो दो टर्म तो जीरो ही हो गया है। इस फर्स्ट और लास्ट टर्म में से आप गामा को कॉमन लेकर के लिख सकते हैं, गामा को कॉमन ले लिया तो जे वन प्लस आई बीटा जे फोर। अब देखिए, अब एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो बीटा है और जो जे फोर है, इस दोनों का जो वैल्यू आप डिफाइन करते हैं उसको पुट करिए यहाँ पर, दिस इज गामा जे वन प्लस आई बीटा, किसको लिखते हैं आप, वी ओवर सी को, और जे फोर हम लोग पढ़ चुके हैं अभी कि दिस इज आई सी रो वी ओवर सी। अब ये सी और सी आप कैंसिल कर दीजिए एंड आई इंटू आई आई स्क्वायर दैट विल बी माइनस वन, सो जे वन प्राइम बराबर क्या लिखें, दिस विल बी गामा जे वन माइनस हो जाएगा आई इंटू आई आई स्क्वायर माइनस वन एंड रो और भी बचा होगा रो भी रो इंटू भी। ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको पहला ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन मालूम हो गया, मैंने पहला मतलब फर्स्ट कंपोनेंट आपने निकाल लिया। अब आप निकालिए दूसरा कंपोनेंट एस डैश फ्रेम में करंट फोर वेक्टर का, दैट इज जे टू प्राइम। आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप देखिए वहाँ जो ऊपर जो रिजल्ट है मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो इंटू जे वन, जीरो इंटू जे वन प्लस वन इंटू जे टू प्लस जीरो इंटू जे थ्री अब प्लस जीरो इंटू जे फोर। तो सिंपल है यार कि सारा टर्म जीरो हो गया एक्सेप्ट द सेकेंड टर्म, सो जे टू प्राइम इज इक्वल टू जे थ्री प्राइम, जे टू प्राइम इज इक्वल टू जे टू, जे टू प्राइम इज इक्वल टू जे टू। देखिए सिमिलरली आप जे थ्री प्राइम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरह से आप देखिए कि अगर हम जे थ्री प्राइम को फाइंड आउट करेंगे तो सिमिलर रिजल्ट आएगा। जे थ्री प्राइम आप ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स को देखिए, पहला जीरो है उसका कंपोनेंट तो जीरो इंटू जे वन, दूसरा भी जीरो ही है तो जीरो इंटू जे टू, तीसरा कंपोनेंट उसका वन है तो वन इंटू जे थ्री एंड फोर्थ फिर जीरो ही है तो जीरो इंटू जे फोर। सो जे थ्री प्राइम इज सिंपली इक्वल टू जे थ्री, जे थ्री प्राइम इक्वल टू जे थ्री। नाउ द फोर्थ कंपोनेंट जिसको आप जे फोर प्राइम बोलेंगे, तो जे फोर प्राइम आप फोर्थ रो को देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का, जो फोर्थ रो में जो अल्फा फोर वन का वैल्यू है वह है माइनस आई बीटा गामा, सो दिस विल बी माइनस आई बीटा गामा इंटू जे वन,
दूसरा तीसरा कंपोनेंट जीरो है, तो जीरो इंटू जे टू प्लस जीरो इंटू जे थ्री, और जो फोर्थ कंपोनेंट है दैट इज की अल्फा फोर फोर दैट इज इक्वल टू गामा, सो दिस विल बी गामा इंटू जे फोर। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, अब ये दोनों टर्म तो जीरो हो गया, अगेन हम गामा को कॉमन ले लेंगे और लास्ट टर्म को ही पहले लिखते हैं, तो दिस इज जे फोर, जे फोर माइनस आई बीटा, गामा कॉमन ले लिया आपने, जे वन आई बीटा जे वन। अब देखिए जे फोर प्राइम, एक्चुअली इसको आप जानते हैं कि जे फोर जो फोर्थ कंपोनेंट है करंट फोर वेक्टर का, वो आई सी रो है, सो जे फोर प्राइम को क्या लिखेंगे, दिस शुड बी आई सी रो प्राइम एंड दिस इक्वल्स गामा इंटू जे फोर को फिर लिखेंगे आई सी रो माइनस आई बीटा, फिर बीटा के जगह पर आप लिखिए वी ओवर सी एंड जे वन, जे वन। नाउ आई सी रो, आई सी रो डैश आपने फाइंड आउट किया ऐसा। अब यहाँ से अगर हम लोग आरएचएस में ऐसा करें कि आई सी को कॉमन ले लें, तो आई सी रो, आई सी गामा यहाँ बच जाएगा रो, रो माइनस। देखिए आपने आई सी कॉमन लिया तो आई तो यहाँ है लेकिन सी नीचे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा भी ओवर सी स्क्वायर, वी ओवर सी स्क्वायर इंटू जे वन। अब इस आई सी और आई सी को कैंसिल कर दीजिए एंड हमारा रिजल्ट हो जाएगा रो प्राइम इक्वल टू गामा इंटू रो माइनस वी ओवर सी स्क्वायर इंटू जे वन। तो इस तरह से आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का चार एक सेट मिला जिसमें चार इक्वेशंस है, और ये करंट और करंट डेंसिटी और चार्ज डेंसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोगों ने रो और जे का फाइंड आउट कर लिया। अब एक्चुअली इस रिजल्ट में जो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्कशंस हेडिंग के तहत। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए जो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अब जानना चाहते हैं, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम लोगों ने निकाला है वहाँ क्या है कि हम एस फ्रेम में जानते हैं जे एंड रो को, और एस प्राइम में आपने फाइंड आउट किया, एस प्राइम में इसी का जे प्राइम और रो प्राइम फाइंड आउट किए। अब जस्ट अगर रिवर्स चाहते हैं कि हमें एस प्राइम में ही ये कंपोनेंट्स मालूम है और एस में जानना है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप इनवर्स लिखने का टेक्निक बहुत शुरू से पढ़े हुए हैं। हम लोग करते क्या हैं, जो भी प्राइम्ड क्वांटिटीज होगा उसे अनप्राइम्ड कर देंगे और अनप्राइम्ड को प्राइम्ड कर देंगे, और भी को सिंपली क्या करेंगे, माइनस भी।
आप जानते हैं कि ये जो गामा है, दिस गामा डज नॉट चेंज बिकॉज गामा आप जान रहे हैं कि दिस इज वन माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि वी का स्क्वायर इसलिए नहीं बदलता है। सो इस आधार पर अगर ट्रांसफॉर्मेशन लिखें तो आप पहला इक्वेशन लिखेंगे जे वन इक्वल टू, अगर हम जे वन इक्वल टू लिखेंगे, आप ऊपर वाले इक्वेशन को ही देखिए, केवल आपको जो टेक्निक कहा उसको आप फॉलो कर लीजिए, आप उसको लिख सकते हैं। जे वन बराबर क्या हो जाएगा, जे वन प्राइम प्लस भी रो प्राइम। आप देख रहे हैं जे वन था तो जे वन प्राइम हो गया, यहाँ रो था तो रो प्राइम हो गया, और यहाँ माइनस था तो प्लस हो गया, और गामा तो बदलता नहीं है, एंड सो देयर विल बी गामा। फिर जे टू इक्वल टू लिखेंगे, जे टू इक्वल टू तो जे टू प्राइम ही हो जाएगा। जे थ्री इक्वल टू जे थ्री प्राइम, एंड जे फोर इक्वल टू, आप देखिए कि रो है उस इक्वेशन में, तो यहाँ हो जाएगा रो प्राइम, और माइनस भी बाय सी स्क्वायर है तो दैट विल बी प्लस भी ओवर सी स्क्वायर। जे वन है तो कर देंगे जे वन प्राइम, और फिर गामा नहीं बदलेगा तो ये ज्यों का त्यों है। तो दीज आर इनफैक्ट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो इजीली आप पहले वाले कॉन्सेप्ट पर बता सकते हैं। देखिए दूसरा एक मोस्ट रिमार्केबल फैक्ट जो इसके रिगार्डिंग हम लोग जानेंगे वो है कि हम लोग देखिए, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को इस फोर वेक्टर के टर्म में कैसे अभिव्यक्त करेंगे इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप जानते हैं कि वह होता है डाइवर्जेंस जे प्लस डेल रो बाय डेल टी इक्वल टू जीरो। अब इस डाइवर्जेंस जे, ये तो हमारे 3D स्पेस का डाइवर्जेंस है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज डेल जे वन बाय डेल एक्स वन प्लस डेल जे टू डेल जे टू बाय डेल एक्स टू प्लस डेल जे थ्री बाय डेल एक्स थ्री, ये आपने इसके जगह पर लिखा है, अब प्लस डेल रो डेल टी। यहाँ ऐसा करते हैं कि हम अपने इसको जे फोर, इसको हम लोग नहीं, रो में अपने मन से काम करिए कि आप इसमें आईसी से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए ऊपर, आईसी कांस्टेंट है इसलिए ऑपरेटर के भीतर भी लिख सकते हैं, तो नीचे भी यही काम करते हैं, जो टी है उसमें भी आईसी से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, तो रिजल्ट हमारा अनचेंज रहेगा एंड दिस विल बी इक्वल टू जीरो। Now this will be written as del J1 del X1 plus del J2 del X2 plus del J3 del X3। और IC row जैसा हम लोगों ने सीखा अभी कि दिस इज इनफैक्ट जे फोर, ये हमारे करंट फोर वेक्टर का फोर्थ कंपोनेंट, एंड आई सी टी दिस इज एक्स फोर, तो दिस इज डेल एक्स फोर एंड दिस इक्वल टू जीरो।
कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप इसी इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज रिटन एज डेल जे म्यू बाय डेल एक्स म्यू एंड दिस इक्वल टू जीरो, दिस इक्वल टू जीरो। या इसी रिजल्ट को हम लोग इस रूप में भी लिखते हैं, बॉक्स डॉट जे म्यू इक्वल टू जीरो। देखिए एक्चुअली यही जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है इन टर्म्स ऑफ फोर वेक्टर, करंट फोर वेक्टर के टर्म में आप इसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कह सकते हैं। यहाँ जो हमारा ऑपरेटर है यह बॉक्स ऑपरेटर, जो एक्चुअली इक्विवेलेंट है डेल डेल एक्स म्यू के, जहाँ म्यू रन करता है 1 to 4, आप इसको क्या बोलेंगे, तो फोर डायमेंशनल डाइवर्जेंस ऑपरेटर बोलते हैं इसको, दिस इज 4D डाइवर्जेंस ऑपरेटर, 4D डाइवर्जेंस ऑपरेटर। तो आप देखिए फोर वेक्टर का यूज करने से हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कितना कॉम्पैक्ट हो गया, ये आप देख सकते हैं, जहाँ एक ही क्वांटिटी जा रहा है करंट फोर वेक्टर, यहाँ जो इनफैक्ट जे को भी और रो को भी रिप्रेजेंट करता है। देखिए तीसरा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम मान लें कि हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह एस फ्रेम में रेस्ट में है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वह रेस्ट में है, किस फ्रेम में, रेस्ट इन एस, एस फ्रेम में अगर चार्ज रेस्ट में है तो ये रिजल्ट इस बात को इम्प्लाई करता है कि जो जे होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज करंट का इक्विवेलेंट नहीं होता है, जो मूविंग चार्ज है वह करंट का इक्विवेलेंट होता है, और चार्ज को आप मान रहे हैं कि रेस्ट में हुआ, इसलिए जे जीरो, और जे जीरो का मतलब क्या है कि जे वन जे टू जे थ्री सब जीरो है, कि जे वन इक्वल टू जे टू इक्वल टू जे थ्री इक्वल टू जे फोर एंड दिस इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से जो ऊपर आपने लिखा है उसके आधार पर आप देखिए कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एस डैश फ्रेम में क्या होगा, तो इन एस प्राइम फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमारा यह चार्ज जो एस फ्रेम में रेस्ट में था वह एस प्राइम में मोशन में विद वेलोसिटी माइनस बी, तो जे वन प्राइम आप जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपने ऊपर लिखा है आप जरा इस पर गौर करिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है हमारा यहाँ पर लिखा हुआ, आप इसको देखिए कि जो ये तो इनवर्स वाला है, इसके पहले ये जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है जे वन प्राइम, देखिए जे वन जीरो हो जाएगा, यहाँ जे टू जीरो हो जाएगा, यहाँ जे थ्री जीरो हो जाएगा, और फिर अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो हमारा जो जे फोर है वह जीरो हो जाएगा, और रो वाले इक्वेशन में फिर जे वन जीरो हो जाएगा। तो इन बातों का अगर आप यहाँ पर उपयोग कर लेते हैं तो अब क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, इस कंडीशन में इसको लिखा जा सकता है इन फ्रेम एस डैश हम लोग लिखेंगे जे वन प्राइम इक्वल टू माइनस गामा रो भी। एक्चुअली यहाँ जो गामा इंटू रो है वो आप देखेंगे फोर्थ स्टेप जो इसमें आएगा कि दैट इक्वल टू रो डैश, सो दिस इज माइनस रो प्राइम इंटू भी।
जे टू प्राइम जे टू के बराबर होता है, लेकिन जे टू तो अभी जीरो है, सो दिस विल बी जीरो। जे थ्री प्राइम जे थ्री के बराबर होता है और वह अभी जीरो है, और जे फोर प्राइम दिस विल बी इक्वल टू गामा इंटू रू। आप इस रिजल्ट पर गौर करिए, एक चार्ज जो स्टेशनरी है इन फ्रेम एस, उसका आप केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसी स्टेशनरी चार्ज एस में स्टेशनरी है, एस प्राइम फ्रेम में हम कहते हैं कि उसके कारण एक कन्वेक्शनल करंट भी होगा, है ना, कन्वेक्शनल करंट भी होगा इन एस प्राइम द चार्ज एट रेस्ट इन एस ऑल्सो प्रोड्यूसेज ए कॉन्वेक्शन करंट इन एस प्राइम। एक मोस्ट रिमार्केबल बात ये। अब जो लास्ट रिमार्केबल फैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, इलेक्ट्रिक चार्ज एक रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट। यद्यपि आपने देखा है कि जो चार्ज डेंसिटी हमारा रो होता है, तो रो एक रिलेटिविस्टिक वेरिएंट होता है, जैसा अभी के डिस्कशन में आपने देखा। देखिए, मान लीजिए कि एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट फिर कंसीडर करते हैं, एंड दैट वॉल्यूम एलिमेंट इज डी वी प्राइम। तो इसमें जो कंटेंट चार्ज है, मान लीजिए उसको डी क्यू प्राइम कहते हैं, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है, एस डैश प्राइम की बात कर रहे हैं, चार्ज डेंसिटी है वह रो प्राइम है। तो इस कंडीशन में आप डी क्यू प्राइम को क्या लिखेंगे, दैट विल बी रो प्राइम इंटू डी वी प्राइम। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो जब आपको पढ़ाया था 3D स्पेस में वॉल्यूम एलिमेंट, तो डी वी प्राइम बराबर होता है उसी का कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम जो एस फ्रेम में होगा, डी वी डिवाइडेड बाय गामा। और अभी आपने प्रूव किया है कि रो प्राइम बराबर होता है गामा इंटू रो, सो रो प्राइम के जगह पर लिख देंगे गामा रो, इंटू हो जाएगा डी वी ओवर गामा। आप देखिए कि जो इस इक्वेशन में ये गामा और गामा कैंसिल हो जाएगा, एंड रिजल्ट विल बी रो इंटू डी वी। एंड व्हाट इज दिस रो डी वी, दिस इज सिंपली डी क्यू। डी क्यू मीन्स चार्ज कंटेंट इन वॉल्यूम डी वी, तो देयरफॉर डी क्यू प्राइम प्रूव हो गया कि दिस डी क्यू प्राइम इज इक्वल टू डी क्यू। इसका मतलब चार्ज एक रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है, रिलेटिविस्टिक बेस्टिक इनवेरिएंट। ये मास के जैसा वैरी नहीं करता है, जबकि चार्ज डेंसिटी जस्ट मास के जैसा ही एक रिलेटिविस्टिक वेरिएंट। तो ये हम लोगों ने इन डिटेल देखा कि करंट फोर वेक्टर के संबंध में। जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होगा, हम लोग उसमें फोर वेक्टर पोटेंशियल को पढ़ेंगे, फोर वेक्टर पोटेंशियल, उसके ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को इन डिटेल डिस्कस करेंगे।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इसको ध्यान से पढ़ें, कॉपी कलम लेके पढ़ें और सारी बात आपको समझ में आएगी।